दोपहर का टाइम है, 1 बज रहा है, किसी को खाना खाने का मन नहीं, इच्छा नहीं है कि दाल चावल कोई खा ले। तो मैंने किया, इसको बेसन और थोड़ा सा आटे को फेना, इसमें कांदा और मिर्ची डाला और नमक, और अभी से जा रहे हैं हम तवे पे बनाएंगे, इसे कहते हैं हमारे यहाँ चिल्ला। आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। मैंने सोचा था मैं इससे बना लूँगी, हाथों में नहीं लगेगा, लेकिन देख रहे हैं क्या हो रहा है। अगर हो गया तो अच्छी बात है। ये तो भाई हो ही नहीं रहा है, मुझे हाथ लगाने ही पड़ेंगे, जो मैंने सोचा था कि हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन मुझे हाथ लगाना पड़ा और इसे फैलाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे इधर पानी भी नहीं है, पानी की शॉर्टेज थी। तो मैंने सोचा था चम्मच से बन जाएगा, मेरे हाथों में नहीं लगेगा, एक पंथ दो काज हो जाएगा, लेकिन नहीं। इसे छोटे छोटे बना लीजिए और खा लीजिए। बच्चों को दाल चावल और भाजी रोटी नहीं खाना था, तो मैंने सोचा लाओ घर में यही बना लेते हैं, और वो जो खाना सुबह बनाया है वो इसी पे रखा रहेगा, तो शाम को गर्म करके भाई नहीं की सबको खिलाएंगे, खाना थोड़ी फीका जाएगा। तो बाद में किसी कुछ हमारे बन गए हैं चिल्ले, और पानी ना आने के ये होते हैं कि हाँ भाई पानी नहीं आया, तो उसी दिन सबसे ज़्यादा बर्तन बढ़ जाते हैं। एक साल जा रही हूँ हॉस्पिटल दवा खाने। मैं इसे बोलती हूँ कि बोलो कि मेरी तबीयत खराब है, पूछो, लेकिन पूछो बेटा मेरी तबीयत खराब है, देख रहे हो मेरे चेहरे से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, लेकिन गले में हवेली पहन के रखा है, नौलखा हार पहन के रखा है। चलो बेटा मुझे टकाओ, हाथ पकड़ो मेरा। घर से निकली थी दवाई लेने के लिए, तो रास्ते में मैं अपने बेटे को ही बोल रही थी कि मुझे पानी पूरी खाऊंगी तो मेरा है ना तबीयत एकदम सही हो जाएगा, और मेरा बेटा उस पर ना चुपके से ना उधर से हंस रहा था, लेकिन मेरे बेटे ने क्या क्या दवाई ली और उसके बाद कहीं और रुक गया, रुकने के बाद जहाँ से मैं पानी पूरी खाती हूँ वो है ना बंद करके चला गया था, और अफसोस की बात है मुझे फिर है ना आइसक्रीम के एक कोन लेने पड़ी, और उसमें भी मेरे बेटे की कितने मुँह बना के आइसक्रीम ले रहे देखिए। मुझे आइसक्रीम में जो वो पान में जो चेहरी पड़ता ना गोल वो अच्छा होता है, वो नहीं है वो बड़ा रहता है। कभी कभी ऐसे वक्त है ना बच्चों के साथ बिता लेने चाहिए, बाहर चले जाने, ज़रूरी नहीं कि है ना 5 स्टार होटल हो, एक छोटी सी आइसक्रीम में भी वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि ये पल है ना हमें ना लाइफ टाइम याद रहता है, मुझे तो ऐसे ही लगता है, और जो बातें नहीं घर पे हो सकती वो शायद बाहर हो जाए। पहुँच चुके हैं घर पे आइसक्रीम आइसक्रीम खाने के बाद, और थोड़ा बेटा मेरा सेट था इसीलिए मैं अपने साथ उसे ले भी गई थी, और मैं हंसी मजाक भी कर रही थी, तो थोड़ा वो सेट था, क्योंकि कोई कोई ना कैसे रहते हैं ना घर वाले हों या बाहर वाले, हंसी मजाक में ऐसे कोई टोन मार जाते हैं कि दिल पर चुभ जाती है बातें। बच्चे अच्छा पढ़ाई करते हैं और जॉब नहीं लगती है, तो उस बात को लेके आप है ना कोई भी हंसी मजाक में टोन मारते हो तो दिल पर लग जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। मुझे नहीं आप लोगों इसके साथ शेयर करना था, फिर मैंने सोचा नहीं ये शेयर करना ज़रूरी, जो लोग ऐसे टोन मारते, तो मैं अपने बेटे को ही समझा रही थी कि कोई बात नहीं, आज वक्त भले तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन कल अगर तुम्हारे साथ ये वक्त रहेगा तो फिर ये जो लोग आज तुम्हें टोन मार रहे हैं ये तुमसे है ना नज़र मिलाने के लायक भी नहीं रहेंगे, और वैसे भी टाइम टाइम की बात है, बोलते हैं ना सबको सब थाली में परोसा हुआ मिल जाए अगर तो उसे कदर नहीं होती है, थोड़ा तकलीफ़ थोड़ा ठोकर खाने के बाद जब चीज़ें मिलती हैं तो संभालने में भी आसानी हो जाती है, क्योंकि हमें उस चीज़ की कीमत मालूम रहती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो शेयर लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ ऐसे किसी को टोन मत मारिए।